हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बाय और नॉट टू बाय का न्यू एपिसोड। और इस वीडियो में भी मैं कई सारे प्रोडक्ट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे हैं ये प्रोडक्ट या इनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन, या फिर इनमें से कौन सा प्रोडक्ट है जो आपको बाय करना चाहिए और कौन सा प्रोडक्ट है जो आपको बाय नहीं करना चाहिए, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। बट उससे पहले मेक श्योर जरूर कर लें कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट कर लें, जिससे आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स क्लियर करना चाहूंगी जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 1, बाय और नॉट टू बाय के एपिसोड मैं क्यों शेयर करती हूँ? तो ये एपिसोड मैं इसलिए शेयर करती हूँ कि मैं कई सारे प्रोडक्ट के मिक्स रिव्यू एक ही वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, जिससे कि अगर आप उन प्रोडक्ट को बाय करने के बारे में सोच रहे हैं तो वो प्रोडक्ट कैसे हैं आपको एक ही वीडियो में पता चल जाए। पॉइंट नंबर 2, आज के वीडियो में मैं जो भी आपके साथ शेयर करूंगी वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो इस बात का ध्यान जरूर रखें क्योंकि मैंने इन प्रोडक्ट को ट्राई किया है तो मुझे पता है कि हाँ कौन सा प्रोडक्ट कैसा है। इसलिए अगर आपको इनमें से कोई सा भी प्रोडक्ट नहीं पसंद आता है तो प्लीज माइंड मत करिएगा, क्योंकि चाहे मेकअप हो, स्किन केयर हो या फिर हेयर केयर हो, ये काफी सब्जेक्टिव होते हैं। जो मुझे पसंद है हो सकता है आपको ना पसंद हो, या जो आपको पसंद है हो सकता है मुझे ना पसंद हो। और पॉइंट नंबर 3, इनके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वहां से चेक जरूर करिएगा। तो आई थिंक मैंने सारी बातें क्लियर कर दी है। हम स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को और एक एक करके मैं सारे प्रोडक्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। स्टार्ट करेंगे बॉडी वॉश और लूफा से, जो कि मैंने बाय किया था नायका से। ये है डव का बॉडी वॉश और इसका जो प्राइस है वो है 360 रुपीज, जिसमें आपको 800 ml की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है। सेल्फ लाइफ 24 मंथ है, ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। अगर मैं इस बॉडी वॉश की बात करूं, बहुत ही अच्छा बॉडी वॉश है। अगर आप बॉडी वॉश के फैन हैं, जैसे बहुत सारे लोगों को बॉडी वॉश यूज करना नहीं पसंद होता है, बहुत सारे लोगों को पसंद होता है, अगर आपको पसंद है तो इस बॉडी वॉश को ट्राई जरूर करिएगा, आपको ये बॉडी वॉश बहुत पसंद आएगा। वैसे अगर मैं मेरी बात करूं, मुझे बॉडी वॉश बहुत पसंद है, स्पेशली अगर उनमें एक माइल्ड सी फ्रेग्रेंस होती है तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। वैसे नॉर्मली सभी बॉडी वॉश में फ्रेग्रेंस होती है, कुछ में स्ट्रांग होती है, कुछ में माइल्ड होती है। अगर मैं इस बॉडी वॉश की बात करूं, इसमें जो स्मेल है वो मीडियम है, ना तो बहुत ज्यादा लो है ना बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन काफी लॉन्ग लास्टिंग है। मतलब 2 से 3 घंटे मैं कह सकती हूं कि इसकी फ्रेग्रेंस जो है वो आपकी बॉडी पे, आपकी स्किन पे रहती है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही जेंटल बॉडी वॉश है, आपकी स्किन को ड्राई आउट नहीं करता है, क्लीन करता है बहुत अच्छे से, एक्सफोलिएट करता है, क्योंकि आप लूफा यूज करते हो तो एक्सफोलिएशन भी हो जाता है। दोनों ही प्रोडक्ट, लूफा जो होगा मैं स्क्रीन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, दोनों ही बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं, स्पेशली ये बॉडी वॉश। अगर आपके पास लूफा ऑलरेडी है तो बाय करने की क्या जरूरत है, लेकिन अगर आप बॉडी वॉश के फैन हैं तो इस बॉडी वॉश को ट्राई जरूर करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। मैंने कई सारे ब्रांड के बॉडी वॉश ट्राई किए हैं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये उन सब में सबसे अच्छा है जितने मैंने ट्राई किए। तो अगर बात करें बाय और नॉट टू बाय की, तो डेफिनेटली इसे बाय जरूर करिएगा। जहां तक रही बात मेरी, मैं इसे रीपर्चेज जरूर करूंगी, बट अभी क्योंकि ये काफी अच्छी क्वांटिटी में है, मतलब 800 ml की आपको प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है, तो अभी फिलहाल मैं इसे बाय नहीं करने वाली हूँ फिनिश होने के बाद। बट डेफिनेटली ट्राई जरूर करिएगा अगर आप ट्राई करना चाहती हैं। तो अब बारी आती है हमारे सेकेंड प्रोडक्ट की। तो सेकेंड प्रोडक्ट है मिस क्लेयर से और ये है मिस क्लेयर की प्रोफेशनल आई लेसेस। इनका जो प्राइस है वो है 195 रुपीज और इसमें जो लेसेस का नेम है या नंबर है वो है M51। लेसेस आप देख सकते हैं, मैं फिलहाल पैकेट से निकाल देती हूँ। ये देखिए, लेसेस जो हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं, बहुत ही विस्पी हैं, या मैं ये कहूँ कि इनका जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा है। मैंने इन्हें ट्राई किया था, सच कहूँ तो मेरी आईज के लिए ये थोड़ी सी बड़ी हैं। बड़ी से सेंस मेरा ये है कि इनमें जो हेयर की लेंथ है ये बहुत ज़्यादा है, जो कि मुझे थोड़ा सा अनोइंग लग रहा था, बट क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है। तो अगर आप मिस क्लेयर की आई लेसेस ट्राई करना चाहती हैं तो ट्राई कर सकती हैं, बट सेम नंबर आप मत लीजिए, आप कोई और नंबर बाई कर सकती हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी ड्रामेटिक है, मतलब
वेडिंग पर्पज से तो ठीक है कि अगर आप ब्राइडल मेकअप करने जा रही हैं तो आप उसके लिए यूज कर सकती हैं, बट एवरीडे के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और मैंने ट्राई किया था तो उसके लिए नहीं सही है। बाकी आई लेसेस बहुत अच्छी हैं, मतलब क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है। अगर आप ट्राई करना चाहती हैं तो आप ट्राई कर सकती हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि इनमें जो है वो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। फिलहाल इतनी ज़्यादा विस्पी आई लेसेस मुझे वैसे भी नहीं अच्छी लगती है, मुझे थोड़ी सी नॉर्मल आई लेसेस अच्छी लगती है। लेकिन आई लेसेस में कोई भी कमी नहीं है, इसलिए अगर आप ट्राई करना चाहती हैं या आप मेरे रिव्यू का वेट कर रही थी तो आप ट्राई कर सकती हैं, बहुत ही अच्छी आई लेसेस है। अब बारी आती है हमारे थर्ड प्रोडक्ट की। तो थर्ड प्रोडक्ट है ब्रॉन्सन प्रोफेशनल का ये ट्वीज़र, और इसका जो प्राइस है वो है 100 रुपीज। और ट्वीज़र जो है वो कुछ इस तरह का है, ये देखिए। सच कहूँ तो मैंने इसे अपनी आईलेसेस अप्लाई करने के लिए ही बाय किया है, मैंने इसे आईब्रोज को सेट करने के लिए बिल्कुल भी बाय नहीं किया है। लेकिन इस वीडियो से पहले मैंने 2-4 हेयर जो है वो प्लग किए हैं, मैंने देखा कि इनकी क्वालिटी जो है वो सही है या नहीं, मतलब ग्रिप अच्छी है या नहीं। हाँ, क्वालिटी अच्छी है, जो प्राइस आप पे कर रही हैं उसके अकॉर्डिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा स्टर्डी नहीं है। 100 रुपीज के कंपैरिजन अगर आप करोगे तो उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है, हेयर को काफ़ी अच्छे से पिक करता है और प्लक भी कर देता है। और जहां तक रही बात आईलेसेस को अप्लाई करने की, तो उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छा काम। तो अगर आप बिगिनर हैं, आप ट्राई करना चाहती हैं एज अ ट्वीज़र या फिर आईलेस अप्लाई करने के लिए, तो परफेक्ट है, आप इसे ईजिली बाई कर सकती हैं। क्योंकि मुझे फिलहाल जो प्राइस मैंने इसके लिए पे किया है उसके अकॉर्डिंग मुझे इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी, और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इसके लिए 100 रुपीज नहीं पे किए थे, उससे कम में ही ये मुझे मिल गया था। नेक्स्ट प्रोडक्ट है अगेन मिस क्लेयर से, और ये है मिस क्लेयर की आईलैश ग्लू। इसमें दो शेड आते हैं, एक क्लियर होता है और नहीं क्लियर नहीं होता, एक वाइट होता है और एक डार्क होता है। क्लियर जो है वो सेम ब्रांड में है लेकिन अलग आता है, और इसका जो प्राइस है वो है 350 रुपीज़, जिसमें आपको 5 ग्राम की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है। फिलहाल क्रुएल्टी फ्री है ये प्रोडक्ट, और मैं इसका ये है इसकी मेन पैकेजिंग, कुछ आईलाइनर जैसा है ये देखिए। जहां तक रही बात इस आईलैश ग्लू की, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आईलैश ग्लू है, मतलब अगर आप बिगिनर हैं, फर्स्ट टाइम भी आप आईलैशेस अप्लाई करने जा रही हैं, तो इजीली आप इससे अपनी आईलैशेस को स्टिक कर सकती हैं और अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट, ड्राई होने में ये थोड़ा सा टाइम लेता है, मतलब मैंने ऐसा देखा है कि 30 सेकेंड नॉर्मल टाइम होता है, बट ये 30 सेकेंड से ज़्यादा लेता है, मतलब ये समझ के चलिए आप कि 50 सेकेंड से 1 मिनट लग सकता है। डिपेंड करता है कि आप आईलैश की जो ग्लू है वो कितनी मोटी या पतली लेयर अप्लाई कर रहे हो। मैंने वैसे पतली लेयर ही अप्लाई की थी, तो मुझे अराउंड 50-60 सेकेंड लगे थे इसे थोड़ा सा टैकी होने में, जिससे कि मैं इसे अप्लाई कर सकूं। तो ड्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना है। पॉइंट नंबर 2, क्योंकि ये डार्क है तो आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। सबसे पहला पॉइंट, आपको आईलाइनर जरूर अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये ब्लैक कलर में है और ब्लैक कलर एज इट इज ही रहेगा। व्हाइट के साथ क्या होता है कि वो थोड़ी देर के बाद ड्राई होने के बाद ट्रांसपेरेंट हो जाता है, और जो ट्रांसपेरेंट है उसके लिए तो आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन जो ब्लैक कलर है, इसके लिए आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। अगर ये आपकी आईलिड पे कहीं टच होता है तो वो स्टेन कर देगा, हालांकि वो रिमूव हो जाएगा बट फिर भी एक टाइम के लिए वो स्टेन कर देगा, इसलिए बहुत केयरफुल आपको रहना होगा। सच कहूँ तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप ब्लैक बाई करिए, मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप क्लियर या वाइट, जो दो शेड आते हैं और भी, आप उन्हें बाई करिए। जब एक बार आप प्रो हो जाएं तो हो सकता है कि आप सेकेंड ट्यूब के लिए या सेकेंड बॉटल के लिए आप इसे बाई कर लीजिए, बट फर्स्ट टाइम अगर आप बाई कर रही हैं तो क्लियर या वाइट वाला ही बाई करिएगा। फिलहाल मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं है इससे, बट फिर भी थोड़ा सा केयरफुल जरूर रहिएगा। वैसे इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो है 36 मंथ, तो
काफ़ी अच्छी सेल्फ लाइफ है, आप इसे इजीली यूटिलाइज कर सकती हैं अगर आप बाय करना चाहती हैं डेफिनेटली, या है अगर आप ट्राई करना चाहती हैं एक अच्छा आईलेस ग्लू। और इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे रिव्यूज सुने थे, और सच कहूँ तो जो भी मैंने इसके बारे में सुने थे ना वो 100% ट्रू है कि हाँ ये आईलेस ग्लू जो है वो बहुत अच्छा ग्लू है, आपकी आईलेसेस को ऑन पॉइंट होल्ड करके रखता है। तो काफ़ी अच्छा पॉइंट है, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है अगर आप आईलेसेस के फैन हैं तो। नेक्स्ट प्रोडक्ट है गब ब्रांड की या गुब ब्रांड की आईलेस, मतलब फॉल्स आईलेसेस, और इसका जो प्राइस है वो है 119 रुपीज़, मतलब ऑलमोस्ट 120 रुपये। और इसमें आपको कुछ इस तरह का, ये देखिए कुछ इस तरह की पैकेजिंग मिलती है और इसमें आपको आईलेसेस मिलती हैं। एवरीडे के लिए ये बहुत अच्छी है, काफ़ी नॉर्मल सी हैं, मतलब वॉल्यूम भी है और थोड़ी सी नॉर्मल भी दिख रही है, बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं है। लेकिन ये फेक आईलेसेस किसी भी काम की नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके जो हेयर हैं वो निकल गए हैं। जब आप इसे ऐसे पुल करते हो, मतलब पैकेट से बाहर निकालने के लिए, तभी इसके हेयर जो हैं वो ब्रेक होने लगते हैं। और ये जो डैमेज आप देख रहे हो ये इसे निकालते टाइम ही हुआ है, मतलब आईलेसेस जो हैं वो निकलती ही नहीं है। ये देखिए निकलती ही नहीं है, बट बल्कि उसकी जगह पे हेयर जो हैं वो बैंड से निकलने लगते हैं। तो फिलहाल ये मेरा पहला आईलेस है इस ब्रांड का, फेक आईलेसेस है जो कि है गब या गुब ब्रांड, जो भी आप कहो। ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप इस ब्रांड के आईलेसेस बाय करो। 120 रुपये भी काफ़ी होते हैं और इतने में ही आपको किसी और ब्रांड के आईलेसेस इजीली मिल जाएंगे। अगर आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से बाय करती हैं तो उसमें भी आपको कई सारे पेयर के सेट मिलते हैं, आप उसे बाय कर सकती हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग ये बिल्कुल भी सही नहीं है। देखो फॉल्स आईलेसेस जो होती हैं उन्हें आप 5 से 6 बार, या बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं तो 10-12 बार भी आप उन्हें वियर कर सकते हो। अगर मैंने इसे 2-4 बार भी वियर किया होता या एटलीस्ट 1 बार भी वियर किया होता तब भी चलो इसके पैसे वसूल हो जाते, बट ये निकालने से पहले ही ब्रेक हो गया, इसीलिए मुझे ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप इस ब्रांड के आईलेसेस बाय करिए, बट फाइनल डिसीजन तो आप ही का है। अगर आपको बाई करना है तो आप डेफिनेटली बाई कर सकती हैं, चॉइस आपकी है। तो ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया बाई और नॉट टू बाई का एक और एपिसोड, और इसमें मैंने काफ़ी सारे प्रोडक्ट के मिक्स रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर किए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, साथ ही साथ इनमें से कौन सा प्रोडक्ट है जो आपने ट्राई किया है और आपको वो प्रोडक्ट कैसा लगा या क्या है आपके थॉट्स, वो भी मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड टेक केयर। Bye.